रामगढ़ के सासाहा में दारू भट्टी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर रखे 2 दिन की बिक्री के पूरे पैसे को चोर रात को ही गायब कर गया। आपको बता दें कि यह सासा दारू की भट्टी में चोरी की दूसरी घटना है। इससे पहले 20 दिन पूर्व इसी भट्टी से 1,85,000 रुपए की चोरी हुई थी, जबकि अब की बार 9,25,000 रुपए की चोरी हुई है। क्राइम भारत टीवी के लिए पामगढ़ जांजगीर चांपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। मैं सामने में फ्रंट में सोया हुआ था, लेटा हुआ था और मैं 12 बजे तक जगा हूँ। उसके बाद फिर एक बीच में देखा हूँ तो कोई नहीं था। उसके बाद मैं थोड़ा झपकी में ले लिया। उसके बाद फिर 9 लाख का चोरी हो गया पीछे से दरवाजा तोड़ के। ससहा स्थित देशी और विदेशी शराब की दुकान में लगभग 9 लाख से अधिक के रुपए की चोरी की सूचना मिली है, तो उसी सूचना की तस्दीक के लिए हम लोग यहाँ मौके पर आए थे और हमने पूरी दुकान देखा। पीछे की खिड़की रोशनदान टूटा हुआ वो भी देखा और यहाँ के मैनेजर का कहना है कि 9 लाख कुछ रुपए डीप फ्रीजर में रखा हुआ था, 2 दिन की सेलिंग बिक्री का पैसा, जिसको नियमानुसार इनको डेली जमा करना रहता है या तो कलेक्ट करने के लिए आते हैं, और उन्होंने 2 दिन से कलेक्ट नहीं किया था और पूरी रकम 2 दिन की बिक्री का यहीं रखा हुआ था। और रात्रि में यहाँ जो उनका गार्ड है, जबकि 2 गार्ड रखने का आदेश उनके अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, किंतु यहाँ 1 ही गार्ड रखा गया था और बाकी कर्मचारी अपने अपने घर गए हुए थे। तो यहाँ पे इनके क्रियाकलाप से तो इनकी घोर लापरवाही देखने को मिल रहा है। अभी इनके आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक को भी हमने तलब किया है, आते हैं तो उनसे चर्चा करेंगे और उन्होंने यहाँ के स्टाक का मिलान किया नहीं किया है उस बारे में भी ज़रा जानकारी लेना है, और उसको इसी तरह से अभी जांच में आगे लिया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।